अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब में आने के बाद में आपको ज़्यादातर समस्याओं से लड़ना होता है और जो भी समस्या है उससे गुजरना होता है। मतलब यही है कि अगर आप काम कंपनी के अंदर बंद करते हो तो भी समस्या है, अगर बंद नहीं करते हो तो भी समस्या है। दोस्तों, एक नई बात अभी सामने आई है जिसको बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और पूरी जानकारी देंगे कि सऊदी अरब में आने के बाद में क्या क्या समस्या होती है और इंडिया के अंदर आपको किस तरह से एकदम बेकार वीजा दे दिया जाता है। मतलब यही है कि काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं और हम भी लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि अगर आप प्रोफेशन वीजा पर आयोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, जो आपका ट्रैवल एजेंट वाला है, चाहे वो दिल्ली का है, चाहे वो बॉम्बे का है, चाहे वो आपके नज़दीक का कोई भी एजेंट है, ऐसे में आपसे पैसा तो काफ़ी ले ही लिया जाएगा और आप ये सोचोगे कि हम तो कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं और हमको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात आती है कि अगर हम किसी भी प्रोफेशन में आते हैं तो क्या हमारा प्रोफेशन सही है। दोस्तों, ये चेक करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं चेक करते हो, फंस जाते हो, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे सामने दो केस आए हैं जहां पर एक आदमी ने हमसे कॉन्टेक्ट किया था, उसकी जो वाइफ थी वो सऊदी अरब में नर्स के काम में आई थी और उसकी जो सैलरी थी वो 5-6-7 हज़ार के करीब बताई गई थी। लेकिन जब वो सऊदी अरब में आई तो जहां पर वो जा रही थी वहां पर वो काम उसको नहीं दिया गया और उसको काम इस जगह पर, इस तरह की जगह पर दिया गया जहां पर पूरी तरह से वो कंपनी ही सप्लाई है। मतलब वो हो दूसरी जगह जब काम मिलेगा तो काम देगी, नहीं तो आप बैठोगे। अब वहां पर जब काम खत्म होगा या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा 4 महीने 6 महीने 2 महीने में, तो फिर रिटर्न आपको कंपनी में आना पड़ेगा। वो फैमिली के साथ में आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और हम आपको बताते हैं कि वो हैदराबाद के थे। दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी जगह से हो तो ऐसे में आप प्रोफेशन चेक करें और कंपनी भी चेक करें। कंपनी किस तरह से आपको चेक करना है उसको लेकर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन एक और केस इसी तरह से आया था जो हमारे कंपनी का ही है। इसमें क्या है कि जब वो आदमी सऊदी अरब में आने के लिए ट्रैवल एजेंट के पास में जो एजेंट है उनसे अप्लाई किया तो वहाँ पर पूरा उसका इंटरव्यू हुआ। बोला गया कि आपको कंप्यूटर चलाना मालूम है, नहीं मालूम है, आपका ग्रेजुएशन है कि नहीं है, मार्कशीट चेक की गई, सब कुछ चेक किया गया। दोस्तों, यह एक बहुत ही बुरी खबर मान सकते हो क्योंकि जितने भी इंडिया में लोग हैं इस तरह से अगर फंसाया जाएगा तो आप सोच नहीं सकते हो कि क्या वैल्यू इंडिया की रह जाएगी। आप सोचोगे इस वीडियो को देखने के बाद में और आप समझोगे कि क्या प्रॉब्लम है सऊदी अरब में आने के बाद में। दोस्तों, जब उस आदमी का इंटरव्यू हुआ तो उस दौरान उसको चेक किया गया कि उसको ग्रेजुएशन, मतलब पढ़ाई की है नहीं की है, और जो उसका इंटरव्यू है वो पूरा टेक्निकल किया गया, मतलब बहुत प्रोफेशन तरीके से। आप समझ नहीं सकते हो। अब हम आपको क्या बताएं, आपको समझदार हो, बहुत बेहतर तरीके से इंटरव्यू किया गया ताकि उसको किसी भी तरह से डाउट ना हो, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, यानी उसको ये ना पता चले कि वो सप्लाई कंपनी में जा रहा है। अब आप सोच सकते हो कि अगर प्रोफेशन वाले इस तरह से फंस जाएंगे तो जो लेबर हैं उनकी क्या हालत होगी। तो वहाँ पर डॉक्टर के बारे में हमने आपको बताया और अभी जो हम अभी जानकारी दे रहे हैं उसमें एक ग्रेजुएशन वाला आदमी जिसको कंप्यूटर की फुल नॉलेज है वो आया और उसका जो टेस्ट था वो एयरपोर्ट के अंदर का कार्य था, कंप्यूटर भी चलाना पड़ सकता है ऐसा उसको बताया गया और वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा एयरपोर्ट के अंदर। लेकिन जब वो आदमी सऊदी अरब आया, आने के बाद में उसको एयरपोर्ट में नहीं दिया गया काम, उसको पूरी तरह से जो कंपनी है उसमें बैठाया गया, जो सप्लाई कंपनी है उसमें उसका वीजा भी उसी तरह से लगा था। लेकिन उसका क्या फ़ायदा, अगर उसको वो काम नहीं मिला, उसको वो सैलरी नहीं मिली, तो उसको आने का क्या फ़ायदा, उसकी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, पढ़ाई की क्या वैल्यू रह गई। इसका मतलब यही है कि इंडियन जो भी लोग हैं उनको पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि लेबर में ही आएंगे, फिर काम करना है लेबर का, पढ़ाई इतना कर लेना है, तो इसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा ही नहीं है।
उस आदमी से हमारी मुलाकात हुई तो उसने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पूरा इंटरव्यू दिया गया, फिर हमको इस तरह से फंसाया गया। दोस्तों अगर आप आ रहे हो तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कंपनी में आ रहे हो या डायरेक्ट आ रहे हो या किसी भी तरह से आ रहे हो तो वहाँ पर आपको अपना प्रोफेशन तो चेक ही करना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक खास काम करना है। अगर आप वो काम नहीं करते हो तो आप पूरी तरह से फिर सप्लाई कंपनी में फंस जाओगे, क्योंकि इंटरव्यू सब कुछ देने के बाद में सैलरी भी अच्छी बताई गई, लेकिन यहाँ पर तो लेबर का काम कर रहा है। जो भी बोलो, चाहे बोरी ढोने का काम हो, चाहे कोई और भी लोडिंग का काम हो, दूसरा काम हो, कचरा साफ करने का काम हो, ये कन्फर्म नहीं है। मतलब यही है कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, प्रोफेशन सब कुछ सही है, तो आपको कंपनी के बारे में भी पता करना बहुत ही जरूरी। कंपनी आपकी कैसी है, क्या सप्लाई कंपनी है, आदमी को लेकर आती है, बैठाती है, फिर बाद में काम देती है, क्या ऐसी कंपनी है जिसके पास में डायरेक्ट काम है। मतलब यही है कि अगर डायरेक्ट काम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सप्लाई में आते हो तो काम का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि आपको काम कौन सा मिलेगा। मतलब यही है कि अगर आपको वही काम मिले और 2 साल तक वही कंटिन्यू काम रहे तो ये समझ लीजिए कि आपका जो कंपनी है वो पूरी तरह से सप्लाई नहीं है, क्योंकि 90% सप्लाई कंपनी में ही आकर लोग फंस जाते हैं। दोस्तों ये गलती आपको नहीं करना है, कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करना है। दोस्तों एक बात और है जो आपके लिए जरूरी है, कंपनी के बारे में आपको कैसे चेक करना है, कैसे पता करना है, ये सबसे खास बात है, क्योंकि ज्यादातर 90-95% सप्लाई कंपनी है गल्फ में, ज्यादातर सऊदी अरब में तो सप्लाई ही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, किस तरह से कंपनी के बारे में चेक करना है, प्रोफेशन चेक कर सकते हो, वीजा जो है वो तो कंपनी लगा देगी, चाहे सप्लाई की कंपनी हो चाहे दूसरी कंपनी हो, वीजा तो आपका आसानी से लग जाएगा, प्रोफेशन का भी लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में लेबर का काम करोगे तो फायदा ही क्या है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपका कोई भी सऊदी अरब में रहता है, खास बात है, तो उससे आप बात करें, बात करने के बाद में उससे बोलें इस कंपनी के बारे में, जाकर हेड ऑफिस में या जहाँ पर लेबर रहते हैं, जहाँ पर उस तरह के लोग रहते हैं, जहाँ पर कंपनी रहती है, वहाँ पर जाकर पता करें। हेड ऑफिस में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम है, और वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये सप्लाई कंपनी या किस तरह की कंपनी है। अगर सप्लाई कंपनी लोगों को लेकर आती बैठाती है तो कतई कभी भी किसी भी वजह से आपको ट्रैवल एजेंट को ना पैसा देना है, ना ही आपको आगे का प्रोसेस करना है। आपको ट्रैवल एजेंट से पहले ही बोल देना है कि अगर सप्लाई है तो हम आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे। दोस्तों एक बात और है जो सबसे आपके लिए जरूरी है, अगर आपका वीजा स्टंप नहीं होता है तो आप कतई ज्यादा पैसा ना दें। मतलब वीजा स्टंप के बाद आप पैसा दे सकते हो, लेकिन वीजा स्टंप होने के बाद में ये आपको चेक करना है कि कौन सी कंपनी का आपका वीजा लगा है, फिर आपको चेक करना है कि कंपनी कैसी है, क्योंकि बताते कुछ दूसरा है लेकिन होता कुछ दूसरा है। कुछ लोगों को बोलेंगे कि आपको दूध की फैक्ट्री में काम है, एयरपोर्ट की फैक्ट्री में काम है, एयरपोर्ट में काम है, क्लीनिंग का काम है, और भी बहुत सारे काम हैं जिनका वीजा आपको निकाल दिया जाता है, लेकिन लास्ट में जब पहुंचोगे तो वहां पर सप्लाई कंपनी ठहरती है। तो ऐसे में आपका इस पर क्या राय है, हम तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से और पूरी सीरीज चलाएंगे, लगभग 10-15 दिन जितने भी चलेगी, मतलब जितनी जानकारी हमको हासिल होगी हम आपको जानकारी देंगे, और हम कहीं भी वीडियो कट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको जानकारी दे रहे हैं। जो हम देख रहे हैं, जो प्रैक्टिकल यहाँ पर है, जो सच्चाई है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए, ताकि लोगों को आने के पहले ही कंफर्म हो जाए कि कंपनी किस तरह की है और वो फंसे ना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।